अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम है रेहान और गाइज फाइनली आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वीवो Y33S की, क्योंकि वीवो कंपनी ने वीवो Y33S को मलेशियन कंट्री में लॉन्च कर दिया है काफी जरा कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ। सो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि भाई वीवो Y33S की जो स्पेसिफिकेशन है वो क्या होने वाली है, और अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में आता है तो इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाली है, और कब तक ये स्मार्टफोन हमें पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलने वाला है, सब कुछ वीवो Y33S के रिलेटेड इसी वीडियो में बताने वाला हूं। सो मेक श्योर वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, और हां गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर कीजिएगा, लेकिन गाइस अगर आप लोग चैनल पे पहली दफा आए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ ऑल करो, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके तो गाइस पहले भी मैं स्मार्टफोन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को स्मार्टफोन की लीक स्पेसिफिकेशन बताई थी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्मार्टफोन की कंफर्म स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन के डिस्प्ले से। तो यहां पर आपको 6.58 इंच का IPS पैनल दिया जाएगा, 1080p की रेजोल्यूशन होगी यानी कि फुल HD डिस्प्ले होगा, लेकिन गाइस इस स्मार्टफोन में आपको किसी किस्म का कोई भी रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा 401 की PPI डेंसिटी होगी, 83.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दिया जाएगा, और दोस्तों इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले में आपको नोच दी जाएगी यानी कि पुराना डिजाइन देखने को मिलेगा नोच वाला, और नोच के अंदर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी मिल जाएगी जिसकी मदद से आप लोग 1080p में वीडियो भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब गाइस इस चीज की मुझे समझ नहीं आ रही कि भाई कुछ टाइम पहले वीवो कंपनी वाले अपने स्मार्टफोन के अंदर 35 से 40 हजार की रेंज में सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करते थे, लेकिन स्टिल अभी IPS पैनल प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इस चीज की तो मुझे भी समझ नहीं लग रही कि भाई IPS पैनल प्रोवाइड क्यों किया जा रहा है, आई थिंक महंगाई ज्यादा हो गई है इसलिए उन्होंने कहा कि भाई सुपर एमुलेट को छोड़ो IPS पैनल चिपकाओ अब अपने स्मार्टफोन्स के अंदर। बहरहाल डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन अच्छा होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको फुल HD डिस्प्ले प्रोवाइड किया जा रहा है। बैक डिजाइन के हवाले से बात करूं तो स्मार्टफोन की बैक जो है वो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आई है। बैक एक्चुअल में तो प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की है लेकिन दिखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। पर्सनली इस स्मार्टफोन का जो शाइनी डिजाइन है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। वैसे इस स्मार्टफोन में दो कलर आते हैं, एक शाइनी कलर है और एक ब्लैक कलर है। शाइनी कलर जो है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। भाई जो भी बात है लेकिन वीवो के जो डिजाइन होते हैं ना वो कसम से कमाल के होते हैं, सो यहां पर भी आपको कमाल का डिजाइन प्रोवाइड किया गया है, कैसा लगा है लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और गाइस इस स्मार्टफोन की बैक पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा, कैमरास की इंप्लीमेंटेशन को चेंज किया गया है, लेकिन बंप आपको वीवो V21 वीवो V20 जैसा ही देखने को मिलेगा जिसमें मेन सेंसर 50 का होगा, सेकेंडरी 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होगा, थर्ड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया जाएगा, और इसी के साथ आपको LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई वीवो कंपनी का कहना यह है कि आप लोग स्मार्टफोन के बैक कैमरे की मदद से इजीली 4K में 30 FPS पे इजीली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि 1080p में 60 FPS पे इजीली वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लगी। सो कैमरे के लिहाज से भी डेफिनेटली आप लोग स्मार्टफोन का वेट कर सकते हैं क्योंकि स्मार्टफोन का जो कैमरा है वो भी काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग होने वाला है। इसके अलावा स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 11 होगा, फन टच 11.1 दिया जाएगा जो कि वीवो की तरफ से आने वाले एक मोस्ट लेटेस्ट कस्टम UI है। चिपसेट के हवाले से बात करूं तो यहां पर आपको मीरेडक G सीरीज का एक पावरफुल गेमिंग चिपसेट देखने को मिलेगा। यस गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट मीरेडक हीलियो G80 की, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है लेकिन गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा तगड़ा है। बेसिकली अगर देखा जाए तो यही वाला सेम चिपसेट हमें कुछ 20 से 22 हजार की रेंज में इजीली देखने को मिल जाता है, लेकिन स्टिल यहां पर जो स्मार्टफोन की प्राइस होने वाली है वो कुछ 35 हजार के लगभग होने वाली है। स्टिल 35 हजार की रेंज में हमें G80 प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, कम अज कम यहां पर G95 का चिपसेट लाजमी से होना चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। बहरहाल फिर भी ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा तगड़ा है। खैर इसी के साथ इस स्मार्टफोन में Mali G52 का GPU दिया जाएगा यानी कि स्मार्टफोन के जो ग्राफिक्स हैं वो भी आपको अच्छे प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि फुल HD डिस्प्ले है, इसी वजह से ग्राफिक्स की जो क्वालिटी आने वाली है वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन यहां पर जो ग्राफिक्स के कलर्स होने वाले हैं वो आपको थोड़े से मदम देखने को मिलेंगे, डार्क कलर आपको सुपर एमोलेड या फिर एमोलेड वाले डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं। मतलब मेरे कहने का यह है कि भाई अच्छे कलर जो है वो आपको एमोलेड डिस्प्ले में देखने को मिलते हैं, IPS में आपको थोड़े से हल्के कलर देखने को मिलते हैं। रैम वेरिएंट की बात करूं तो यहां पर आपको 8/128 का
वेरिएंट दिया जाएगा, डुअल सिम का स्लॉट होगा और साथ ही आपको डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी मिल जाएगा अप टू 256 जीबी। अब गाइस वीवो वालों की ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि वीवो कंपनी वाले आपको 35,000 की रेंज में 8 जीबी रैम और 128 जीबी रोम वाला वेरियंट मस्ट प्रोवाइड करते हैं। और गाइस फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करूं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाएगा और इसी के साथ आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। लास्ट में बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो सबसे पहले यहां पर आपको यूएसबी टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। 5000 mAh की बड़ी बैटरी होगी जिसके साथ आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। यानी कि विद इन 2 hours and 30 minutes आपके जो मोबाइल फोन की बैटरी है, यानी कि इस स्मार्टफोन की जो बैटरी है वो 0 to 100 फुल हो जाएगी। सो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के लिहाज से देखा जाए तो नो डाउट ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन के लिहाज से एक काफी ज्यादा अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, लेकिन अगर ये स्मार्टफोन एग्रेसिव प्राइस में आ जाता है तो मेरे हिसाब से जो स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस होनी चाहिए वो अंडर 35,000 rupees होनी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से कितनी होनी चाहिए, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। वैसे गाइस जिन्होंने एक स्मार्टफोन परचेज करना होता है, जब वो वीडियोस देख के जाते हैं ना, तो उनको पता होता है कि भाई स्मार्टफोन के अंदर ये चीजें हैं जो कि इस प्राइस रेंज में वर्थेबल है, इससे ऊपर ये ओवर प्राइस है। लेकिन गाइस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियोस नहीं देखते, वो डायरेक्ट ऑफलाइन मार्केट में चले जाते हैं और वहां पर उनको डिजाइन पसंद आ जाता है, 8128 का वेरिएंट होता है, वो दो ये चीजें देख के ना उसके बाद स्मार्टफोन को कंसीडर करके चले जाते हैं। उनको कोई लत्थी चढ़ी नहीं कि भाई ओवर प्राइस है या फिर सही प्राइस में लॉन्च किया, कोई नहीं लेना देना, बस उनको डिजाइन चाहिए, 8128 का वेरिएंट चाहिए बस। वैसे कि आप लोगों ने मुझे लाजमी से बताना है कि भाई आप लोगों ने कभी ऐसा किया है कि भाई वीडियो देखे बगैर आप लोग मार्केट में चले गए हो और डिजाइन की वजह से स्मार्टफोन को परचेज कर लिया हो, या फिर आप लोग वीडियोज देख के मार्केट में जाते हैं और फिर स्मार्टफोन को कंसिडर करते हैं, ये मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। खैर प्राइस की बात करूं तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि स्मार्टफोन की पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस कुछ 35,000 के लगभग रखी जाएगी। अगर ये स्मार्टफोन 35,000 से नीचे लॉन्च किया जाता है तो डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक सुपर वैल्यू फॉर मनी होगा। अगर ये स्मार्टफोन 35,000 से ऊपर जाता है तो फिर डेफिनेटली भाई ओवर प्राइस कंसिडर होगा वीवो Y53S की तरह। लॉन्च डेट के हवाले से बात करूं तो इस स्मार्टफोन को वीवो कंपनी ने ऑफिशियली तौर पर मलेशियन कंट्री में लॉन्च कर दिया है और बहुत ही जल्द ये स्मार्टफोन हमें पाकिस्तानी मार्केट में भी देखने को मिल जाएगा। शायद ये स्मार्टफोन इसी मंथ के लास्ट वीक तक देखने को मिल जाए, वरना नेक्स्ट मंथ में कंफर्म ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। वैसे गाइस आप में से वीवो का कौन लवर है और कौन-कौन वीवो के अपकमिंग स्मार्टफोन का वेट कर रहा है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। उम्मीद करता हूं गाइस आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।